आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में पुलिस के सराहनीय पहल आए सामने, फूल देकर नमाजियों का पुलिस ने किया स्वागत। टीले वाली मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने नमाजियों को बांटे फूल। फूल देकर लखनऊ पुलिस ने शांति व्यवस्था और भाईचारा कायम रखने की अपील की। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह लखनऊ में पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय पहल देखने को मिली। इस दौरान पुलिस द्वारा फूल देकर नमाजियों का स्वागत किया गया। वही टीले वाली मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने नमाजियों को फूल दिया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की एक सराहनीय पहल देखने को मिली। इस दौरान पुलिस द्वारा जो लाल गुलाब है वो नमाजियों को दिए जा रहे हैं, साथ ही उनका स्वागत करते हुए उनसे ये भी अपील की जा रही है कि वो लखनऊ में शांति व्यवस्था को कायम रखें। इस दौरान पुलिस समेत पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद है जो नमाजियों को फूल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये शांति व्यवस्था कायम करने का एक बेहद ही अच्छा तरीका लखनऊ की पुलिस ने ढूंढ निकाला है कि आखिर किस तरह से। आप देख सकते हैं कि शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस की एक सराहनीय पहल की तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। ये तस्वीर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जबकि ये तस्वीर मस्जिद के बाहर की है। टीले वाले मस्जिद के बाहर जो पुलिस है और उनके अधिकारी हैं वो नमाजियों को फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ ही साथ उनसे ये अपील भी कर रहे हैं कि वो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरह से नमाज अदा करें और वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करें। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं एक सराहनीय पहल के। इस दौरान जितने भी नमाजी हैं, फिर चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो, पुलिस द्वारा सभी को लाल गुलाब देकर उनसे अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था कायम रखें। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह फूलों का गुच्छा लिए पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, और जो भी नमाजी मस्जिद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो भी नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे अपील भी कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जब बीते तीन जून से जो हिंसा की खबरें प्रदेश से सामने आनी शुरू हुई थी जुम्मे को लेकर, वहीं अब आज हिंसा की बात, आज ये तीसरा जुम्मा है जहां पुलिस की एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। वहीं आपने देखा था कि जब जुम्मे की नमाज के दिन जब हिंसा की खबरें सामने आई थी तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया था दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लेकिन अब ये वही पुलिसकर्मी है जो आज नमाजियों को फूल देकर उनको स्वागत कर रहे हैं, साथ ही उनसे अपील भी कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लखनऊ पुलिस की एक सराहनीय पहल देखने को मिली, तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा ये पहल की गई? आपको बता दें कि हाल ही में जुमे के दिन जो दो समुदायों के बीच हिंसा देखने को आपको मिली, चाहे बात की जाए कानपुर, चाहे बात की जाए आपके प्रयागराज में, उसके बाद आपको बताया कि प्रदेश भर की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड में आ गई। और साथ ही साथ आज जुमा है जिसको लेकर आज लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में मैं मौजूद हूँ, जहाँ कल आपने देखा कि प्रशासन की तरफ से जो नवाजी थे उनको फूल देकर और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। वहीं आपको बताएं कि जो जब नवाजी बाहर निकलते हैं तो नवाजियों की तरफ से प्रशासन को फूल देकर उनका जो अथक प्रयास किया गया है नवाज को शांतिपूर्वक संपन्न होने को लेकर, उसी क्रम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से प्रशासन के लोग पहले नवाजियों को फूल देते हैं, ठीक उसके बाद जब नवाज खत्म होती है तो नवाजी जो पुलिस प्रशासन के लोग शांतिपूर्वक नवाज में जुड़ की वजह से हो पाया है उनको भी फूल देकर आपसी भाईचारा का पैगाम दिया गया है। तो मुस्कान कहीं ना कहीं जो जी देखा जाए तो किस तरह का संदेश ये तस्वीरें देती हुई नजर आ रही है। जी मुस्कान, अगर बात करें तो जो गुलाब का फूल पहले नवाजियों को दिया जाता है और नवाज शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद जो प्रशासन है उसको भी जो नवाजी है वो फूल देते हैं। वहीं आपको बताएं कि कल आपने देखा कि तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से शांति की अपील की गई और साथ ही साथ अमन चैन बनाने की बात की गई। वहीं आपको बताएं कि जो तमाम मौलाने हैं उनकी तरफ से कहा गया कि कोई ऐसे नारे ना लगाएं जिससे माहौल बिगड़ सके,
उसी क्रम में आपको बताया कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से नवाज अदा की गई है और गुलाब के फूल देने से कहीं ना कहीं जो आपसी भाईचारे का पैगाम है वो लखनऊ शहर के अंदर में टीले वाली मस्जिद से हमको देखने को मिला है, जहां बेहद शांतिपूर्वक नवाज संपन्न हो चुके हैं और नवाजी नवाज पढ़कर बाहर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकती है मुस्कान की, नवाजियों जो नवाज पढ़ के लोग बाहर निकल रहे हैं उनके हाथों में गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि जो देश में अभी माहौल चल रहा है, वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में आपसी भाईचारा और अमन चैन स्थापित है। उसी क्रम में जो नवाजी थे उनके नवाज पढ़ने के लिए पूरे बंदोबस्त मस्जिद प्रशासन की तरफ से किया गया था। साथ ही साथ आप देख सकती हैं कि तस्वीरों में आ रहे हैं, साथ ही साथ पीएससी के भी जवान को भी मस्जिद के ठीक सामने डिप्लॉय किया गया था और पुलिस प्रशासन के अथक प्रयास के बाद शांतिपूर्वक जो आपके नवाज है वो संपन्न हो चुका है। देखा जाए तो जब पुलिस द्वारा नमाजियों को लाल गुलाब देकर उनका स्वागत किया जा रहा था तो उनके चेहरे पर कितनी संतुष्टि और खुशी देखने को मिली। जी मुस्कान, आपको बता दें कि नवाज के ठीक पहले जब सभी नमाजियों को प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा जब फूल दिए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो आपसी भाईचारा का पैगाम उनकी तरफ से कहा जा रहा था और नवाज पढ़ने के ठीक बाद जब नवाजियों की तरफ से प्रशासन को शुक्रिया अदा किया गया कि आपके अथक प्रयासों के बाद बेहद शांतिमय तरीके से नवाज संपन्न हो गई है तो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस जो तमाम जगहों पर माहौल खराब है उसी क्रम में आपको बताया कि लखनऊ के अंदर में पूरे प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद बेहद शांतिमय तरीके से नवाज हुई है तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस है उसके अथक प्रयासों के बाद ये हो पाया है। वहीं अगर बात की जाए मुस्कान तो अनेकों जगह पे तमाम खबरें आई जहां दो पक्षों के बीच झड़प हुई हाल ही के दिनों में, वहीं अगर बात करें तो तमाम जगहों पे नारेबाजी भी हुई मगर लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। बेहद शांतिमय तरीके से नवाज अदा की गई और नवाज अदा होने के बाद जब प्रशासन के लोग और साथ ही साथ नवाजियों को गुलाब का फूल दिया गया तो बेहद जो देखा जाए तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे का पैगाम दे रही है। जी मुस्कान, विभाषु इस वक्त टीले वाले मस्जिद के बाहर का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? हाँ, अगर बात करें माहौल की तो बेहद शांतिमय माहौल है और प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की गई वो सफल हो चुकी है और नवाजी बेहद जो सही कमजन तरीके से बाहर निकल रहे हैं और The person you are speaking with has put you. धन्यवाद दिवांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने कहीं ना कहीं नमाजियों के अंदर उत्साह भरने का काम किया और खुशी नमाजियों के चेहरे पर इस दौरान साफ देखी जा सकती है कि किस तरह से जहां एक तरफ दंगे की खबरें आ रही थी पुलिस का एक रौद्र रूप कहा जाए तो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वहीं पुलिस का ऐसा रूप देखकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसने देश को एक बेहद ही अच्छा और पॉजिटिव संदेश देने का काम किया है, क्योंकि लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर पुलिस द्वारा नमाजियों को फूल देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से आखिर जो नमाजी हैं उनका स्वागत किया गया और फूल देकर उनका स्वागत किया गया, लाल गुलाब भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की हर जगह सराहना हो रही है, पुलिस की इस कार्य की हर जगह कहीं ना कहीं सराहना हो रही है कि जिस तरह से पुलिस द्वारा नमाजियों को फूल देकर स्वागत किया गया। साथ ही उनसे ये भी अपील की गई कि वो शांति व्यवस्था कायम रखे। तो ये एक तस्वीर कहीं ना कहीं जो देश को एक अच्छा संदेश देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने पुलिस का एक उग्र रूप देखा, एक रौद्र रूप देखा दंगाइयों के खिलाफ, तो वहीं अब हिंसा के बाद ये तीसरी बार जुम्मे की नमाज हो रही है जिसको लेकर जो लखनऊ से तस्वीरें सामने इसको इसने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक जगह बनाई है। ये वही तस्वीरें हैं मस्जिद के बाहर की जहां पुलिस द्वारा नमाजियों को लाल गुलाब दिया जा रहा है, फिर चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो इस वक्त नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है उसको पुलिस द्वारा फूल दिया जा रहा है। वही जब नमाजी
नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उनके हाथों में भी फूल नजर आए और उन्होंने पुलिस का भी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने के लिए धन्यवाद अदा किया, साथ ही साथ उनको फूल भी दिया, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक ऐसी तस्वीर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आई है जिसने सबके दिल को छू लिया है। ये वही तस्वीर है मस्जिद के सामने की, टीले वाले मस्जिद के सामने की। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से नमाजियों का स्वागत पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ दंगे की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई, एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो ये कैसे तस्वीर है जिसने कहीं ना कहीं दिल को छूने का काम किया है? जी विभांशु, ये आपको बता देख सकती है सभी नमाजियों के हाथ में गुलाब का फूल है। ये साफ तौर पे अगर देखें तो आपसी भाईचारे का पैगाम है, जिसे आप देख सकती है कि नमाजियों के हाथ में गुलाब का फूल है। पहले जब नमाज अदा करने नमाजी आते हैं तो प्रशासन की तरफ से फूल देकर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, और जब नमाज अदा हो जाती है तो जो नमाजी है वो पुलिस प्रशासन को फूल देकर और आपसी भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो प्रदेश में अलग हाल ही के दिनों में जो आपने घटनाओं को देखा उसको पानी फेरते हुए कहीं ना कहीं उस पर देखे तो एक आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से आप तस्वीरों में देख रही हैं कि नवाजी बेहद शांतिपूर्वक ढंग से नवाज के अदा करके बाहर निकल चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि जहां आपने देखा कि कल जो मुख्य तमाम बयान दिए गए का पालन किया गया है, साथ ही साथ प्रशासन के अंदर में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है और जो नारे लगाने की बात कही गई तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और आप बताएं मुस्कान, आप देख सकते हैं इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से टीले वाली मस्जिद के बाहर से कैसे तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर कहीं ना कहीं जो देश की जनता है उनमें खुशी देखने को मिली। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।